उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रुद्रप्रयाग इलाके में एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की हत्या के बाद पूरा देश सन्न है। जमीन विवाद के चलते इस गांव में जिस तरह से खूनी संघर्ष हुआ, उसमें जो सामने आया उसी को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर पर इस तरह से खून सवार था कि ना महिलाओं को बख्शा, ना ही मासूम बच्चों पर तरस आया। लेकिन घटना के तुरंत बाद अब एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख आप कुछ देर के लिए सहम जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। हत्याकांड के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मकान के अंदर 6 लोग दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर का पूरा सामान फैला पड़ा है, वहीं खून से लथपथ 6 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। घर की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह रही होगी। घर का एक एक कोना खूनी रंजिश की गवाही दे रहा है। दरअसल सोमवार यानी 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने वाले 5 लोग एक ही परिवार के थे। वहीं एक घायल बच्चे का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने 20 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले को लेकर जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की निंदा की। सूबे के मुखिया सीएम योगी ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घटना में घायल बच्चे से भी अस्पताल जाकर सीएम ने मुलाकात की। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सहम जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो उस 35 मिनट के कत्लेआम की गवाही है। ये वीडियो बताता है उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। खैर, मामले में पुलिस तेजी से जांच में जुटी है और हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। Thank you.